वेलकम टू माय चैनल ऑल वर्ल्ड टेस्टी फूड। टेस्टी फूड में आज हम बना रहे हैं पनीर की कलेजी देसी और वेज तड़के के साथ। सबसे पहले हम लेंगे पनीर, आपको जितनी बनानी है उतनी लीजिए। मैंने ये 250 ग्राम पनीर लिया है, इसे हम छोटे छोटे क्यूब्स में पहले काट देंगे। इसको हम चौकोर चौकोर काटेंगे, बिल्कुल कलेजी वाले आकार में, बिल्कुल इस तरह। जब सारे पनीर हमारे कट जाएं, फिर हम इसको रखते हैं साइड में। अगर आप वेज खाते हैं तो आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। नॉन वेज वालों के लिए बहुत ऑप्शन होता है, पर आज हम वेज के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन लेके आई हैं। मैं लूँगी एक बाउल में पानी और इसमें हम डाल देंगे बीटरूट के छोटे छोटे टुकड़े। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा, जैसे कि कलेजी का रहता है। इसे हम रखते उबलने के लिए 3 प्याज लेंगे, इसे बारीक बारीक काट लेंगे। कलेजी में बारीक ही प्याज होती है। अब लेंगे एक मिक्सी जार, इसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियाँ, ये मेरी 20 से 22 हैं, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 5 लाल मिर्च, और इसके साथ ही हम लेंगे गोल मिर्च, ये 5 से 6 है, और लौंग भी हम लेंगे 5 से 6 ही। और इसके साथ हम लेंगे एक टमाटर, इसका बनाते हैं हम बारीक वाला पेस्ट। पेस्ट भी हो गया फटाफट रेडी और हमारे पानी में भी आने लगा है उबाल। जब पानी में उबाल आ जाए, फिर हम अपनी पनीर इसमें डाल देंगे। इससे कलर बिल्कुल कलेजी वाला आ जाएगा, और वो भी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी वाला। जब उबाल आ जाए, फिर हम इसका पानी छान देंगे और इसे रख देंगे साइड में। पानी छानने से इसमें कलर भी अच्छा आ जाएगा, और पानी हमें बिल्कुल फेंकना नहीं, ये पानी भी हमारा यूज़ में आएगा। और पैन को रख देंगे गर्म होने के लिए। पैन जब गर्म हो जाए, फिर इसमें डालेंगे सरसों का तेल 1 बड़ा चम्मच, 2 बड़ी इलायची डालेंगे, छोटा सा दाल चीनी का टुकड़ा डालेंगे और 2 तेज़पत्ता डालेंगे। दोनों को चटकने देंगे। फिर 1 चम्मच हम जीरा डाल देंगे, इसे भी अच्छे से चटकने देंगे, थोड़ा सा चला देते हैं। फिर हम इसमें प्याज डालेंगे, सारी प्याज डालकर अच्छे से लाल करेंगे। इससे पहले आप जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वेज पनीर कैसी लगी, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। इसे हम लाल करते हैं जब तक, तब तक हमारी पनीर भी हल्की सी ठंडी हो जानी चाहिए और इसका पानी भी हल्का सा ठंडा हो जाएगा। इस पर मैं थोड़ा सा पहले नमक डाल दूंगी ताकि प्याज जल्दी से लाल हो जाए। प्याज तब तक लाल हो रही है, आपने पनीर तो बहुत सारी खाई होगी, पर ऐसा पनीर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला का पाउडर और 1 पिंच डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, ताकि बिल्कुल कलेजी वाला कलर भी रहे। टेस्ट तो बिल्कुल कलेजी वाला ही रहेगा और कलर भी उसके साथ साथ बहुत मायने रखता है। इसे हम अच्छे से पहले लाल करेंगे। आप ये कलेजी बनाकर खाएंगे, पक्का है कि सारा पनीर भूल जाएंगे। जब प्याज लाल हो जाए, फिर हम डाल देंगे अपने पिसे हुए टमाटर वाले प्यूरी को, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के डाल देंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। क्योंकि बहुत सूखा मसाला रहेगा तो मसाला अच्छे से भूंजेगा नहीं, तो थोड़ा सा पानी डालना बहुत ही ज़रूरी है। इसे हम तेज़ आंच पे पहले लाल करेंगे, फिर थोड़ा सा मीडियम आंच करके हम इसे ढक्कन लगा देंगे। हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। अब इसे हम खोलेंगे 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के बाद जब खोलेंगे तो मसाले की खुशबू से पता चल जाएगा, जैसे कि आपके घर में नॉनवेज बन रहा है, पर बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं है, ये तो बिल्कुल वेज है। अगर आप वेज खाते हैं तो ज़रूर एक बार इसे बनाकर खाइए, और पक्का है कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। मसाला भी भुनने लगा। अब इसे हम साइड साइड करते हैं, जैसे कि हम चाट बनाते हैं उस तरह हम साइड में करते हैं। वैसे तो कलेजी हम कुकर में बनाते हैं, पर पनीर का बना रहे हैं इसलिए हम इसे साइड में करेंगे। जब जगह बन जाएगी तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों ही आता है। घी जब थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, फिर हम लेंगे अपने पनीर को। पनीर हम इसमें डाल देंगे बीच में, सारे पनीर को हम डाल देंगे। देखिए हमारी पनीर कैसे चिपक गई है, ऐसे ही कलेजी भी छोड़ दो तो चिपक जाती है। हल्का सा हम इसे चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बीच में ही छोड़ना है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, हाथों से रब करके डालेंगे। डालने के बाद हम इसे हल्का सा ही चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसमें बीच में हमारी जो कलेजी है, ये पनीर वाली, हल्की सी लाल हो जाएगी। 2 मिनट के लिए हम इसे ढक्कन लगा देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगाना है। उसके बाद हम खोलेंगे तो एक नंबर खुशबू आ रही है, और टेस्ट तो इसका मैं आपको बता नहीं सकती, कितना लाजवाब आ रहा है। आप नॉनवेज भी खाते हैं, अगर एक बार इसे खा लेंगे तो पक्का है कि नॉनवेज भूलकर वेज ही खाने लगेंगे। अब सारा हम मिक्स कर देंगे पनीर और मसाले के साथ, अच्छे से मिक्स करेंगे और तेज़ आंच पे इसे हम लाल करेंगे। अब थोड़ी ग्रेवी तो चाहिए, क्योंकि ये बहुत सूखा हो गया है। पनीर थोड़ी सी ग्रेवी में ही मज़ा आता है, और वो भी कलेजी वाली पनीर, तो थोड़ा सा ग्रेवी हम ज़रूर लगाएंगे। उससे पहले हम इसमें हरे धनिया के थोड़े से पत्ते डाल देंगे, ताकि ये ज़रूरी जो होता है, क्योंकि वेज हो या नॉनवेज, हरे धनिया तो उसमें चाहिए ही चाहिए। अब अच्छे से ये लाल हो चुका है, अब डाल देंगे इसमें हम पानी। पानी हमें अलग से नहीं डालना है, हमने जो अभी उबाला था पानी, जिसमें हमने अपने पनीर को उबाला था, वही पानी हमें डालना है। इसमें पनीर का भी फ्लेवर है
और बीटरूट का, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक बार आप ज़रूर बनाइए, पक्का है कि अगर आपने बना लिया तो आज के बाद आप कभी भी कलेजी की फरमाइश नहीं करेंगे, आप वेज पनीर ही खाएंगे हमेशा। अब इसे उबाल आने देंगे और धीमा करके 5 मिनट के लिए हम बंद कर देंगे। 5 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया, चेक करते हैं। ये देखिए एक नंबर रेडी हो गया, कलर के साथ भी और टेस्ट में भी बिल्कुल कलेजी वाला टेस्ट है। अगर आप वेज खाते हैं तो ज़रूर बनाइए, और नॉन वेज खाते हैं तब भी बनाइए, क्योंकि इतना टेस्टी बनाया है तो बनाना तो बनता है ना, और टेस्टी खाना हम सबका फेवरेट होता है, तो क्यों ना हम ये भी एक बार ट्राई करें। और ट्राई करना क्या, बनाने के बाद तो ऐसा लगेगा कि अब हम कलेजी नहीं पनीर की ही कलेजी खाएंगे। मिलते हैं हम फिर से नई वीडियो के साथ।